dance through the highways. And I Yo, what's up guys? Welcome back to our YouTube channel Fusion Gaming. So guys, आज हम जो गेम खेलने जा रहे हैं उस गेम का नाम है guys Indian Bike Driving 3D Game. So इस गेम का जो साइज है guys, बताता हूँ मैं आपको, 64 MB का है साइज इस गेम का और 10 मिलियन से ज़्यादा guys इसको डाउनलोड किया गया है और रेटिंग बता दो तो रेटिंग भी बहुत अच्छी थी guys, 4.3 की रेटिंग है. सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या है. देख सकते हो एरो फोर स्टीयरिंग, डायनेमिक शेडो यहाँ पर देख सकते हो और उसके बाद शेडो क्वालिटी मिल जाएगी आपको अलग अलग, लो मीडियम हाई और डिफॉल्ट भी है. सो हाई पे कर लेते हैं, फटाफट बैक करते हैं, पहले चलते हैं प्ले पर. और आज हम ड्राइव करने में जा रहे हैं गाइस स्प्लेंडर. सो इसमें अलग अलग आपको 11 बाइक मिल जाएगी. सबसे प्लस पॉइंट पहला, सो इसमें जो है बाइक्स अलग अलग आपको मिल जाएंगी 11 टाइप की. सो दूसरा जो इसका प्लस पॉइंट है गाइस, इसमें चार आपको कार्स वगैरह मिल जाएंगे ड्राइव करने के लिए और एक हेलीकॉप्टर मिल जाएगा. सो चलते हैं गाइस फटाफट से बाहर, आप देख सकते हो. सो आपको जो बाइक मंगानी है गाइस, वो भी आपको यहाँ पर फोन करके मंगानी है, चीट कोड अप्लाई करके. आप देख सकते हो हम मंगा लेते हैं गाइस. सबसे पहले तो गाइस हम चलते हैं इसको लेके KTM को, बिकॉज हम दोनों इसको रेस कराएंगे, जो सबसे ज़्यादा जल्दी उसके ऊपर पहुँचता है वो जीतेगा गाइस. तो चलते हैं फटाफट से. तीन अटैम्प्ट होंगे गाइस पूरे पूरे, पर तीन अटैम्प्ट में जो सबसे आगे गया वो बाइक जीतेगी. फटाफट चलते हैं. ये अभी अभी चैलेंज डिसाइड किया गाइस मैंने, क्योंकि जब सबसे पहले तो मेरा प्लान था कि मैं स्प्लेंडर मंगा के चलाऊँगा, दिखाऊँगा आपको, उसके ऊपर लेके जाऊँगा. बट अभी अभी मेरे सडन दिमाग में प्लान आया कि स्प्लेंडर क्यों, KTM भी लेके चलते हैं, KTM को भी मज़ा आएगा. देखते हैं कौन सबसे पहले ऊपर चढ़ पाता है और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक अच्छी है कौन सी नहीं. तो फटाफट चलते हैं इधर से. तो सबसे मुश्किल वाले पहले टास्क इधर चलते हैं साइड में. इधर जैसे ही आप इधर आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से चढ़ना है और स्टार्टिंग में ही बहुत मुश्किल आपको दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो गैप करके चढ़ना है. तो सबसे पहले हम KTM पे ट्राई करते हैं, तो उसके बाद हम चलेंगे स्प्लेंडर पर. ओके गाइस इसके ऊपर चढ़ चुके हैं, बुगाटी के ऊपर. बुगाटी वाले हटा ले, सॉरी गाइस लंबागुनी वाला है, बुगाटी वाला नहीं. फटाफट चलते हैं ऊपर. तो देख सकते हो सबसे पहले हमको ऊपर जाना है. तो ऊपर चला गया है, मुझे लगता है फर्स्ट अटैम्प्ट खराब, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं चढ़ पाई गाइस गाड़ी हमारी. तो देखते हैं सेकेंड अटैम्प्ट में. तो देखते हैं सबसे पहले गाइस ये देखना है हमें कि कितनी दूर जो है हमारी गाड़ी जाती है. उसके बाद हम दोनों गाड़ी को देखते हैं कि सबसे आगे कौन गया है और कितने अटैम्प्ट पर गया है. सो फर्स्ट अटैम्प्ट तो इसका ख़राब हो गया है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में कहीं पर नहीं जा पाई. सेकंड अटैम्प्ट तो अच्छा है, फटाफट से देखते हैं अब कहाँ तक जा पाती है ये. यहाँ पर देख सकते हो गाइस बैलेंस बना के हम रुके हुए हैं यहाँ पर. जैसे गाइस हमारा कंटेनर उधर की साइड आएगा, सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि अभी कर लूँ, बट मुझे लगा कि अगर सेकंड अटैम्प्ट ख़राब हो गया तो वीडियो में मज़ा नहीं आएगा गाइस, क्योंकि एक ही अटैम्प्ट बचेगा. सो यहाँ पर देखते हो आ चुके हैं हम इसके ऊपर, उसके बाद इधर हमको जंप करानी है गाइस. नो वे, सेकेंड अटैम्प्ट भी ख़राब, और देख सकते हो विली मार रहा है भाई ये. सेकेंड अटैम्प्ट भी ख़राब हो चुका है, लास्ट अटैम्प्ट गाइस वहाँ तक तो चला गया. चलो जैसे देख सकते हो वो कंटेनर तक तो चली गई थी बाइक, उसके बाद जो है सेकेंड कंटेनर पर वहाँ पर जब हुई तो थोड़ी मुश्किल हो गई. यहाँ पर अगर थर्ड अटैम्प्ट में थोड़ा सा आगे, ख़त्म, गुड बाय टाटा बाय बाय, इसको उड़ाने वाले हैं गाइस. सेकेंड कंटेनर तक पहुँच पाई है ये. तो देखते हैं अब हमारी जो स्प्लेंडर है वो कहाँ तक पहुँचती है, फटाफट देखते हैं. तो डायल कर लेते हैं गाइस स्प्लेंडर को, हम अपने मंगा लेते हैं जल्दी से डायल. यहाँ पर कर लिया हमने डायल और ये आ चुका है गाइस हमारा स्प्लेंडर. फटाफट चलते हैं और ये देखते हैं गाइस ये कहाँ तक जा पाता है हमारा जो स्प्लेंडर है. सो हमारा फ्रैंकलिन भाई है गाइस, इसका नाम फ्रैंकलिन है. फटाफट चलते हैं गाइस फ्रैंकलिन को लेके और स्प्लेंडर को लेके ऊपर चलते हैं. फटाफट से देखते हैं ये कहाँ तक जा पाता है गाइस. वो जो हमारे KTM था वो सेकंड
सेकंड तक, सेकंड हाँ सेकंड कंटेनर तक जा पाया था गाइस। इसका भी फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं गाइस, बच गया बच गया। मुझे लगा इसका भी फर्स्ट अटैम्प्ट खराब होने वाला है बिकॉज बहुत आगे चला गया था ये। तो देखते हैं अब जैसे घूमेगा उसके बाद हमें ऊपर जाना है, तो वो थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं बाइक को ताकि जैसे इधर आए। तो ये हमने चढ़ा ली गाइस बाइक को ऊपर, अब फटाफट से चलते हैं देखते हैं। तो ये क्लियर कर गया गाइस, क्लियर है। अब देखते हैं, ये देखना है कि ये कितने ऊपर तक जा पाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट ने इतना गाइस आगे आ चुका है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में। यहाँ पर देख सकते हो ये एकदम से गाइस स्प्लेंडर वाइज विनर, स्प्लेंडर विनर गाइस बता रहा हूँ मैं आपको, स्प्लेंडर जीत चुका है। बिकॉज गाइस जो KTM था वो तीन बारी में गाइस यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, और ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है ये सीधा यहाँ पर पहुँच चुका है। और मैंने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी लग रहा है क्योंकि सीधा मैं नीचे आ चुका हूँ, बट फिर भी गाइस इतना आगे आया है। सो KTM को गाइस एक और चांस दे देते हैं, क्या पता वो तब थोड़ा बैलेंस नहीं बना होगा। तो कोई बात नहीं, KTM को एक बार और चांस दे देते हैं। KTM को यहाँ पर खड़ा है हमारा KTM, तो KTM को एक और चांस दिया जाए। फटाफट से KTM को उठाते हैं गाइस और चलते हैं फटाफट से। तो लास्ट चांस है गाइस, अगर ये कुछ नहीं कर पाया तो कुछ इसका कुछ होगा होगा भी नहीं गाइस। फटाफट चलते हैं, ये आ चुका है हमारा KTM, फटाफट से उठ भाई। अब देखते हैं ये इसका लास्ट जो है अटेम्प्ट, देखते हैं ये क्या कर पाता है। अगर ये उसके आगे चला गया तो वैसे तो स्प्लेंडर का हमने एक ही अटेम्प्ट किया है, बट अगर उसके आगे चला गया तो गाइस स्प्लेंडर का जो है सेकंड अटेम्प्ट भी होगा। तो ये हमने आराम से ले ले गए हैं ऊपर, तो इसको लेके जाना है आगे आगे, थोड़ा सा इधर घुमा लेते हैं ताकि पूरा बैलेंस बन जाए अच्छे से। तो ये जो है गाइस थोड़ी सी हैवी बाइक है और थोड़ी सी ज़्यादा जैसे जंपिंग वाली कह सकते हो आप, वो वाली बाइक है, इसलिए गाइस जल्दी मेंटेन नहीं होती और उड़ती है। सो ये फोर्थ अटेम्प्ट में तो अच्छी कर रही है गाइस, फोर्थ अटेम्प्ट में बहुत अच्छी चल रही है जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। तो एकदम बढ़िया जा रही है गाइस बाइक हमारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक आ चुकी है गाइस एकदम से। तो यहाँ पर कट मारना क्योंकि गाइस अगर आते हम तेज लेके तब भी नहीं हम वहाँ पर पहुँच पाते बिकॉज वो बहुत दूर है। तो इधर हमें ऊपर लेके जानी है, अगर ये एकदम ऊपर तक चली गई तो गाइस हमें स्प्लेंडर का जो है अटेम्प्ट अगला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लो जी ख़त्म। सोच लो गाइस यहाँ पर जो हमारा विनर है वो है गाइस हमारा स्प्लेंडर, बिकॉज वो चला गया था यहाँ तक। तो अगर हम टोटल देखे जाएं तो गाइस ये जो है फोर्थ अटेम्प्ट में गया वो फर्स्ट अटेम्प्ट में गया, इसलिए गाइस ये है जो है हमारा स्प्लेंडर वो हमारा विनर है। तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये जो गाड़ी ये फंसी है यहाँ पर फटाफट से इसको RPG से उड़ा देते हैं। सो चलो गाइस कर लेते हैं वीडियो पे यहीं पर एंड। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना गाइस, और मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के किसी नई वीडियो में। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।